चाहे किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है, ये खबर आपके लिए जरूरी है। चाहे कोई भी बैंक आपका है, अगर आप भी अकाउंट होल्डर हैं बैंक के लिए, तो आपके लिए जरूरी खबर है। देखें, आरबीआई ने आप तमाम लोगों के लिए चेतावनी जारी कर दी है। आरबीआई ने आप लोगों को कहा है कि आरबीआई आपको कोई भी मैसेजेस नहीं भेज रहा है ऐसे जिसने आपको ये कहा जाए कि आप अपना बैंक अकाउंट खोलें और उसमें पैसे सबमिट करवाएं, यानी कि पैसे जमा करवाएं। ऐसा कुछ भी जो है वो बैंक आपको नहीं कहता है। दरअसल अभी पूरी क्या खबर है ये मैं आपको बात बता दूं। देखिए, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम पर लोगों को फर्जी ईमेल्स भेजे जा रहे हैं, फर्जी लेटर भेजे जा रहे हैं, जिसको लेकर बैंक ने चेतावनी जारी की है। आरबीआई के मुताबिक लोगों को फंसाने के लिए ये फर्जी लेटर और ईमेल एड्रेस का इस्तेमाल हो रहा है। बैंक ने बताया है कि बैंक कभी भी किसी भी बैंक अकाउंट होल्डर को जो है वो अकाउंट खोलने और पैसा जमा करने के लिए नहीं कहता है। स्कैमर्स लगातार सतर्क हो गए हैं और स्कैमर्स इस बीच ऐसे स्कैम करने के तरीके ढूंढते हैं जिससे लोगों को आसानी से फंसाया जा सके। और आज के टाइम में जहां एक और फिलहाल इंडिया की बात करें जहां इतना डिजिटल बन चुका है, हर किसी के पास बैंक अकाउंट है, छोटे बच्चे से लेकर जॉब करने वाले तक या हाउसवाइफ तक भी हर किसी के पास बैंक अकाउंट है, हर कोई ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल करता है। इस बीच स्कैमर्स का इन जो धोखाधड़ी का शिकार होना बहुत नॉर्मल सी बात हो जाती है, बहुत आसानी की बात हो जाती है। और सबसे बड़ी बात जिस पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया जा सकता है, आरबीआई की बात करें, उनके लेटर हेड को लेकर, उनके ईमेल एड्रेस को लेकर लोगों को जो है गलत इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है। पर आरबीआई ने अपनी तरफ से इस चीज़ को स्पष्ट कर दिया है कि आरबीआई ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। तो अगर आपको इस तरह के ईमेल्स आते हैं या इस तरह के लेटर हेड्स आते हैं, आप उन्हें पूरी तरह से इग्नोर करें, इसकी जानकारी पहुंचाएं, और साथ ही साथ ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत आपको नहीं है। बैंक कभी आपको ये नहीं कहता है कि आप अपना अकाउंट खोलें और उसमें पैसे डिपॉजिट करवाएं या विड्रॉल करवाएं। अगर आपकी अपनी मर्जी हो आप तो ही पैसे उसमें सबमिट भी करवा सकते हैं, और अगर आपकी अपनी मर्जी हो तो ही आप उससे जो है वो पैसे निकलवा भी सकते हैं, विड्रॉल भी करवा सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी रहती है। बैंक कभी भी आपको इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं करता है या नहीं आपको कभी भी ये चीज़ कहता है कि आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व हों। देखिए, आप लोग जानते हैं कि धोखाधड़ी के मामला फिलहाल लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें कि धोखाधड़ी होती है, एक बटन प्रेस करते ही पूरा बैंक अकाउंट जो है वो लोगों का खाली हो जाता है। इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए, रोकथाम लगाने के लिए फिलहाल इस चीज़ को ज़रूरी किया गया है। तो अगर आप लोगों का किसी भी बैंक में अकाउंट है, फर्ज कीजिए ABC कोई भी बैंक वो है, तो आप लोग उस बैंक के अगर अकाउंट होल्डर हैं तो ध्यान रखें, आरबीआई की तरफ से अगर आपको टेक्स्ट मैसेज इस चीज़ के लिए आता है, मेल इस चीज़ के लिए आती है या लेटर इस चीज़ के लिए आता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये बिल्कुल पूरी तरह से फेक होगा, ये रियल नहीं होगा, क्योंकि आरबीआई ने खुद इस चीज़ की जानकारी दी है। अभी तक जो मीडिया रिपोर्ट्स पहुंची हैं वो आपके सामने हैं, पर इसके बाद अगर आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, जहां पर ये चेतावनी अपने तमाम अकाउंट होल्डर्स को जारी कर चुका है आरबीआई कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आप लोग जो है वो सतर्क रहें। आगे की जानकारियों के लिए आप लोग देखते रहे अर्ली टाइम्स। मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।